Hi everyone. Hello students, good evening. Good evening everyone. Yes, tell me in the chat, audio video ठीक है? आप सब मेरे को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो अच्छे से? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है? एनीवन? स्लाइड विजिबल है, मैं विजिबल हूँ, आवाज आ रही है? यस, विनीता, संगीता, चैट में बताओ उसे, सब ठीक है ना? चलो, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऑल ओके? चलो, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। यस, ऑडियो वीडियो ओके है? सिमल, चलो, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी बच्चे। ग्रेट। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सेशन। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी होने वाला है, क्योंकि कुछ पर्सनालिटी थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे आज। जो रिमेनिंग आपकी पर्सनालिटी थ्योरीज होंगी वो हम डिस्कस करेंगे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर, यानी कि जो हमारे फ्री ऐप सेशन होते हैं वेंसडे फ्राइडे 1 बजे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप में, वहाँ पर हम ये जो हमारे रिमेनिंग पर्सनालिटी थ्योरीज रह जाएंगी वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी आप सबके साथ। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं हो तो किस शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हो? ये लिंक है टेलीग्राम चैनल का पार्ट बनने के लिए, एंड इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। सो प्लीज़ डू बिकम पार्ट ऑफ इट। सारे सेशन की डिटेल्स, उनकी टाइमिंग्स, उनके लिंक्स यहाँ पर शेयर होते रहते हैं। ओके, एंड यस, दिस इज माय पर्सनल आईडी टेलीग्राम पर, जहाँ पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो टू आस्क योर डाउट्स, ठीक है ना? हाय कंचन, बसंती, सुशांता, मनीषा, अनीता, सत्यव्रता, मौप्रिया, सिमल, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सब चंगा सी? हाँ, ऑल गुड, गुड इवनिंग अर्जा। चलो ग्रेट। इसके अलावा जो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आप सबके साथ अबाउट अ वर्कशॉप जो निशान सर कंडक्ट करेंगे 31 मार्च को शाम को 6 बजे बायजूस एग्जाम प्रिप ऐप में, जहां पर सर आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे टू क्लियर योर यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट इन जस्ट फर्स्ट ट्राई। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वर्कशॉप। इसका भी लिंक, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं जिन्हें नहीं पता क्या प्रोसेस होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना? तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम पर्सनैलिटी थ्योरीज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे? एल्पॉट की पर्सनैलिटी थ्योरी पर, वर्डाइमर, कॉलर एंड कॉफ्का। वर्डाइमर, कॉलर और कॉफ्का की अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन सी पर्सनालिटी थ्योरी दी थी? एक उसका सिंपल वर्ड है, कौन सी पर्सनालिटी थ्योरी इन्होंने दी थी मेरे को चैट में बताओ। वर्डाइमर, कॉलर, कॉफ्का, ये तीनों, ये जो ट्रियो है हमारे पास, इन्होंने एक फेमस पर्सनालिटी थ्योरी दी थी। क्या नाम था उसका? इन जनरल जेस्टॉल्ट थ्योरी। वेरी गुड, किसने आंसर दिया है? सुशांता ने। हाँ जी, वेरी गुड अनीता, जेस्टॉल्ट थ्योरी इन्होंने दी है। और जेस्टॉल्ट का जब हम बात करते हैं ना, तो जेस्टॉल्ट का मतलब हो जाता है कि वी आर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी, ऐसे हम इंटेलिजेंस के लिए भी बोलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने बोला कि पहले हम होल पर फोकस करते हैं, हम कंप्लीट पिक्चर पर फोकस करते हैं, उसके बाद हम डिटेलिंग की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाते हैं। गुड इवनिंग सरमैन। हाँ जी प्रिया, जेस्टॉल्ट थ्योरी।
तो ये हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में डिटेल में, और क्या है इनकी फेमस बुक्स, क्योंकि एग्जामिनेशन में आजकल आपको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो आपके जो भी फेमस थ्योरिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनकी फेमस बुक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है? तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो जब हम अलग अलग थ्योरीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर देखो बच्चे, हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके की पर्सनालिटी थ्योरीज आ जाती है. अगर हम उनके जर्नल टाइटल्स देखें तो हमारे पास टाइप अप्रोच है, उसके अलावा ट्रेट अप्रोच है, टाइप कम ट्रेट अप्रोच है. टाइप अप्रोच के लिए हमारे पास वेरियस थ्योरीज आ जाती है, जैसे एंशंट इंडिया की थ्योरी है जहाँ पर हम वातपित कफ की बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम बोलते हैं कि हमारी पर्सनालिटी डिवेलप होती है. उसी के ही जैसे फिर हमारे पास हिपोक्रेट्स की थ्योरी है, क्रेशमर की है, शेल्डन है, जंग है. ये सारी थ्योरीज जो है ना, जो मैं अभी आपको जिसका सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, ये सारी थ्योरीज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर. आज हम जेस्टॉल्ट थ्योरी और एल्पॉट की थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करेंगे अपने इस सेशन में. बाकी थ्योरीज अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर सेशन होगा, उसका लिंक मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूंगी. तो ये आपके लिए एक ओवरव्यू है. ट्रेट अप्रोच में हमारे पास एल्पॉट की थ्योरी आ जाती है जो आज हम पढ़ेंगे, उसके अलावा हमारे पास कैटल की थ्योरी है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर. टाइप कम ट्रेट में हमारे पास आइसिंग की थ्योरी है जहाँ पर ये न्यूरोटिसिज्म, साइकोटिसिज्म की बात करते हैं, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन की बात करते हैं. इनके मॉडल को आप सिंपली पेन मॉडल भी बोल सकते हो, ठीक है? उसके अलावा साइको एनालिटिकल हमारे पास अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, लर्निंग अप्रोच है और जेस्टॉल्ट. ये रही आपकी जेस्टॉल्ट की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. वर्डाइमर, कॉलर, कॉफ्का और बाद में कर्ट लुएन भी खुद को एसोसिएट करते हैं जेस्टॉल्ट थ्योरी से. वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो प्रेरणा उन्होंने प्राप्त करी थी वर्डाइमर, कॉलर और कॉफ्का की जेस्टॉल्ट थ्योरी जब उन्होंने पढ़ी थी, और प्लस उन्हें मौका भी मिला था उनसे जेस्टॉल्ट थ्योरी के बारे में सीखने का, ठीक है? तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे. साइको एनालिटिकल में हमारे पास फ्रॉइड की, एडलर की थ्योरी आ जाती है. फ्रॉइड जहाँ पर बात करते हैं कि हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारी पर्सनालिटी को बनाने में हेल्प करेंगे, या फिर जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारी पर्सनालिटी को बनाने में हेल्प करेगा, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हमारी पर्सनालिटी को बनाने में हेल्प करेंगे. ह्यूमनिस्टिक में रॉजर्स और मैस्लो की आपके पास थ्योरी है. लर्निंग में हम बंडूरा और वॉल्टर की बात करते हैं जो बोलते हैं कि हम अपने सोशल सेटिंग से सीख रहे हैं, ठीक है ना? ये मैंने आपको जर्नल ओवरव्यू दिया, अलग अलग जो हमारे पास अप्रोचेस हैं. एक बार फटाफट से नज़र मार लो, टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, टाइप कम ट्रेट, साइको एनालिटिकल, ह्यूमनिस्टिक, लर्निंग और जेस्टॉल्ट, ठीक है? तो जब हम पर्सनैलिटी थ्योरीज की बात कर रहे हैं तो पर्सनैलिटी होती क्या है, एल्पॉट की डेफिनेशन से ही शुरुआत करते हैं. पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल. डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक यानी कि एवर चेंजिंग, वो चेंज होता रहता है, आप फिक्स नहीं मानकर चल सकते. अलग अलग थ्योरिस्ट बोलते हैं, जैसे कुछ थ्योरिस्ट यहाँ पर बोलेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी सेम रहेगी थ्रू आउट आर लाइफ टाइम. कुछ थ्योरिस्ट यहाँ पर बोलेंगे कि वो डायनेमिक है, वो चेंज होती रहेगी. कुछ सर्टेन ट्रेट्स आप यहाँ पर हटा दो, जैसे हम एल्पॉट की ही बात करें तो एल्पॉट के ने अपनी थ्योरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, तीन अलग अलग ट्रेट्स में डिवाइड किया था. तो कुछ ट्रेट्स आप यहाँ पर हटा दो, बाकी चीज़ें डायनेमिक है, चेंजिंग है, स्टैटिक नहीं है. तो यही इन्होंने बोला कि पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट. और यही डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस ट्रेट्स, हमारा कैरेक्टरिस्टिक, हमारा बिहेवियर, हमारे फीचर्स, हमारा बिहेवियर, हमारी थॉट प्रोसेसेस, हमारे एक्शंस, ये सब कुछ डिटरमाइन करेंगे. तो ऐसे इन्होंने पर्सनालिटी को डिफाइन किया था एल्पॉट ने. आई होप सो ये सारी, ये जो डेफिनेशन है काफ़ी ज़्यादा फेमस है एल्पॉट की, ये आप सबको पता होगी, है ना? क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप इन द चैट. क्लियर है ना? इतना ये जो बच्चे बाकी थ्योरीज हैं ये मैं बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर डिस्कस करूंगी. कब डिस्कस होगी? अभी आने वाले वीक में डिस्कस होगी. सारी ये जो थ्योरीज हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द कमिंग सेशन ऑन बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप, जिसकी डिटेल्स मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, है ना? आज हम कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज पर ही फोकस करेंगे, जिसमें हम जेस्टॉल्ट थ्योरी पूरी कंप्लीट देखेंगे और एल्पॉट की थ्योरी देखेंगे.
क्लियर है ना? विनीता ने यस बोल दिया, बाकी स्टूडेंट्स डन 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 चैट में बताओ। चलो फैंटास्टिक। तो एल्पॉट की ट्रेड थ्योरी की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आप सबको बोला कि यहां पर इन्होंने तीन पार्ट्स में अपनी थ्योरी को डिवाइड कर दिया पर्सनालिटी की, कि कार्डिनल ट्रेड्स होते हैं, फिर आपके पास सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं, और फिर आपके पास सेकेंडरी ट्रेड्स होते हैं। अब इसमें जहां कंफ्यूजन होती है वो क्या है, कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेड्स, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों में? कार्डिनल ट्रेड्स आपके मास्टर ट्रेड हैं, ये डोमिनेंट ट्रेड है, मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी इन एक आधे ट्रेड्स पर डिपेंड करेगी। ये हैं आपके कार्डिनल ट्रेड्स, मास्टर ट्रेड्स हम इसीलिए इन्हें बुलाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास 10-12 कार्डिनल ट्रेड्स होंगे, एक लौता ट्रेड भी काफी है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी का सार बताएगा, आपकी पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन करेगा, आपकी लाइफ भी इन्हीं कार्डिनल ट्रेड्स के बेसिस पर फॉर्म होती जाएगी। जिसमें हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है मदर टेरेसा का, ऑनेस्टी, ये उनका कार्डिनल ट्रेड था, और फिर उनकी पूरी लाइफ, उनके सारे एक्शंस उसी एक कार्डिनल ट्रेड्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मास्टर ट्रेड है, डोमिनेंट ट्रेड है। फिर आपके पास आता है यहाँ पर सेंट्रल ट्रेड। सेंट्रल ट्रेड में आपके पास 5 से 6, 7, 8 ट्रेड्स आ सकते हैं जो कार्डिनल से थोड़े अलग हैं, ऑल्दो लिंक्ड हैं, कार्डिनल से थोड़े अलग हैं बट उनसे लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं ऑनेस्टी की बात कर रही हूँ और यहाँ पर सेंट्रल ट्रेड में मेरे पास डिसऑनेस्टी आ जाए, या फिर चीटिंग आ जाए, या फिर कोई और ऐसा नेगेटिव ट्रेट आ जाए जो आपके कार्डिनल से एकदम ऑपोजिट हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो लिंक्ड होंगे। सो डिसऑनेस्टी नहीं, चीटिंग नहीं, अगर आपका कार्डिनल ट्रेट ऑनेस्टी है तो। यहाँ पर उसके अलावा जैसे हेल्पिंग नेचर आ जाएगा, ठीक है, एम्पथी आ जाएगा, सिंपथी आ जाएगा, लविंग आ जाएगा, केयरिंग आ जाएगा, ये आपके सेंट्रल ट्रेट्स माने जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी ट्रेड्स क्या होते हैं, जो ओकेजनली ओकेजनली बाहर आते हैं, मतलब वो वैसे प्रेजेंट नहीं होंगे बट यस डिफरेंट ओकेजन्स पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि जब आप कभी कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, आप कभी कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, आप ऑन स्टेज हो, पहली बार आपको डिबेटिंग डिबेट में जाना है, या फिर पहली बार स्टेज पर डांस करना है, तो कैसा फील होगा आपको वहाँ पर, नर्वस फील होगा, या फिर क्लास में कुछ प्रेजेंट करने के लिए आपको बोल दिया गया है, आप वहाँ पर कैसा फील करोगे, आप वहाँ पर नर्वस फील करोगे। जैसे आप कभी आपकी अपने फ्रेंड से कभी लड़ाई नहीं हुई बट अचानक से कभी किसी दिन लड़ाई हो जाती है, तब आप बहुत सैड फील करने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा ही एंग्री हो जाते हो, वैसे आपका हैप्पी गो लकी नेचर है बट उस दिन आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, तो ये आपका सेकेंडरी ट्रेट माना जाएगा। क्योंकि यूजुअली आपको अपने बारे में पता है कि आप इतनी जल्दी आपको गुस्सा नहीं आता है। तो अगर ऐसे ट्रेड्स जो कभी कभी किसी किसी ओकेशन में उभर कर आते हैं, वो क्या माने जाते हैं, वो सेकेंडरी ट्रेड माने जाते हैं। गुण बोल सकते हो आप बच्चे, ठीक है, क्लियर है? कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी ट्रेड में अंतर क्या है, फर्क क्या है, क्लियर है? है ना? ओके, हाँ जी, फैंटास्टिक। प्रवृत्ति भी बोल सकते हो, गुण भी बोल सकते हो। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं एल्पॉट की ही थ्योरी की, तो उन्होंने एक और मेन चीज के बारे में बात करी है, जो है फंक्शनल ऑटोनॉमी। फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या बोला गया, फंक्शनल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है, जो चीज अपने आप हो रही है, ठीक है, जो बाकी किसी और फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि वो ऑटोनॉमस बॉडी है ना। हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी बॉडीज हैं, एजुकेशनल हैं या फिर फाइनेंशियल हैं, वो ऑटोनॉमस हैं,
ऑटोनॉमस यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे ही फंक्शनल ऑटोनॉमी के बारे में, जो हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम मोटिव्स शो कर रहे हैं, जो हम एक्शन कर रहे हैं, जो पहले किसी फैक्टर पर डिपेंड करते होंगे, चाहे बचपन में हो या कुछ टाइम पहले की बात हो, पहले किसी फैक्टर पर डिपेंड करते होंगे, वो अब ऑटोनॉमसली, वो अब किसी और एक्सटर्नल फैक्टर के बिना ही काम करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप लेट्स से क्राफ्ट्समैन की बात कर रहे हो या फिर एक कारपेंटर की बात कर रहे हो। फंक्शनल ऑटोनॉमी के हिसाब से क्या होगा कि पहले वो अच्छा परफॉर्म करते थे, वो फाइन कटिंग करते थे, वो कारपेंटर, क्यों? क्योंकि उन्हें जो अपने वेजेस थे, जो पैसे थे, वो अपने काम के बदौलत ही मिलते थे। जितना अच्छा वो काम करेंगे, जितनी फाइन वो फिनिशिंग देंगे, उस हिसाब से उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। तो पहले उनका फैक्टर क्या था? एक्सटर्नल फैक्टर जो उनकी, जो उनके फंक्शन को, जो उनके मोटिव को ड्राइव कर रहा था, वो था पैसे। कि अगर वो प्रॉपरली अपना काम नहीं करेंगे, अगर वो एक प्रॉपर फिनिशिंग टच नहीं देंगे, तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। बट अब धीरे धीरे टाइम के साथ जब उनके वो फाइन टच उनके हाथों में आने लगता है, तो अल्टीमेटली पैसे साइड हटाकर, वो एक्सटर्नल फैक्टर साइड हटाकर, वो उनके नेचर में ही, उनके फंक्शन में ही, उनकी पर्सनालिटी में ही डेवलप होने लगता है कि उन्हें कोई भी काम करना है, कोई भी वुडन चीज़ प्रिपेयर करनी है, वो उसमें एक प्रॉपर फिनिशिंग टच देंगे। राइट? पहले का उनका मोटिव अलग था, पहले का रीजन प्रॉपर काम करने का अलग था, बट अब वो फंक्शनल ऑटोनॉमी का पार्ट हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? फंक्शनल ऑटोनॉमी हम इसे बोलते हैं। अब फंक्शनल ऑटोनॉमी में ही हमारे पास दो तरीके की फंक्शनल ऑटोनॉमी आ जाती है, प्रिजर्वेटिव और प्रोप्राइएट। प्रिजर्वेटिव की जब हम बात करते हैं, तो ये हो गए रिपीटेटिव बिहेवियर, सुबह उठना, ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना, नाश्ता करना, तैयार होना, बाहर जाना, शूज पहनना, लेसेस बांधना, ये क्या है? प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी। प्रिजर्वेटिव बचा कर रखना, प्रिजर्व का मतलब बचा कर रखना, एज इट इज रखना। तो प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी होगी जो आपकी एज इट इज चलती जाएगी। कोई रोज खड़े होकर बाथरूम के बाहर आपके लिए तालियां नहीं बजाएगा कि अरे वाह क्या ब्रश करी है तुमने, आज तो मजा आ गया तुम्हें ब्रश करते हुए देख के। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बट आप स्टिल एक ही फॉर्म में वो चीज बार बार करते जाओगे। दैट इज प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी। प्रोप्राइएट की जब हम बात करते हैं, तो प्रोप्राइएट प्रोप्रियम वर्ड से डराइव किया गया है, जो एल्पॉट की टर्म थी, जहां पर वो प्रोप्रियम किसे बोलते थे? ईगो या फिर सेल्फ को। ठीक है, ईगो या फिर सेल्फ को वो प्रोप्रायम बोलते थे, और प्रोप्रायम से ही उन्होंने प्रोप्राइएट वर्ड लिया है, जिसका मतलब है इट रिलेट्स टू आर वैल्यूज और सेल्फ इमेज एंड लाइफस्टाइल। अब यहां पर क्या हो जाता है, दैट वी एक्चुअली डू समथिंग दैट वी एंजॉय टू डू। हम वो चीज करने लगते हैं, जैसे मैंने आपको क्राफ्ट्समैन का एग्जाम्पल दिया या फिर कारपेंटर का एग्जाम्पल दिया, तो यहां पर आप वही चीज करने में आपको मजा आएगा, जिस चीज के बारे में आपको पता है कि आप वो अच्छे से करते हो। ऑल्दो आपको उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ऑल्दो उसके लिए आपको कोई प्रेज नहीं मिलेगा, बट आपको पता है कि वो काम आप अच्छे से करते हो। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले, अगर आप कुकिंग अच्छी करते हो, तो भले घर में खाना बनाना किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बट क्योंकि आपको अच्छा लगता है, भले कोई तारीफ करे ना करे, तो फिर आप खुद से वो काम करना चाहोगे, क्योंकि उसमें आपको अच्छा लगता है और आपको पता है दैट यू डू दैट वर्क वेरी वेल। दैट इज प्रोप्राइएट, कि आपकी खुद की वैल्यूज, आपकी खुद की इमेज, आपकी खुद के लाइफस्टाइल से वो लिंक्ड होता है। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शनल ऑटोनॉमी के बारे में किसने बात करी थी? एल्पॉट ने बात करी थी। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या है, और फंक्शनल ऑटोनॉमी का कंसेप्ट दिया किसने था? एल्पॉट ने दिया था। अब बात करते हैं जेस्टॉल्ट थ्योरी की। जेस्टॉल्ट थ्योरी में क्या बोला जाता है कि बिहेवियर इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी और द फील्ड, बट रादर अ प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन एंड द रेस्ट ऑफ द फील्ड। बिहेवियर जो है वो ना ही सिर्फ पर्सनालिटी पर डिपेंडेंट है, ना ही सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है, वो इन दोनों का प्रोडक्ट है।
कैसे एक पर्सन बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशंस में, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक पर्सन की पर्सनालिटी पर प्लस उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैसे वो एक्ट करता है, ये बोलती है जेस्टाल्ट थ्योरी। कॉग्निशन या फिर कॉग्निटिव थ्योरी में पर्टिकुलरली या फिर लर्निंग थ्योरी में पर्टिकुलरली हम किसकी बात करते हैं, हम अपने स्कीमास की बात करते हैं, हम अपनी साइकी की बात करते हैं कि उनकी हेल्प से, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की हेल्प से हम बिहेव कर रहे हैं। बट यहाँ पर बिगर पिक्चर देखते हैं ना जेस्टाल्ट हमेशा, तो बिगर पिक्चर में एनवायरनमेंट को ये कैसे भूल जाएंगे। तो पर्सन कहाँ है, पर्सन एक एनवायरनमेंट में है, तो ये एनवायरनमेंट के साथ पर्सन एक्ट करेगा और वो उसका बिहेवियर डिटरमाइन करेगा। तब यहाँ पर देखो बच्चे, हमारे पास वर्डाइमर हैं, कॉफ्का हैं और कॉलर हैं। वर्डाइमर की एक फेमस बुक है प्रोडक्टिव थिंकिंग, 1945 में आई थी। वर्डाइमर ने पर्टिकुलरली जेस्टाल्ट में किस पर बात करी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बात करी है। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों के सामने ऐसे लिखूं, चलो बताओ ये क्या लिखा है, टेल मी इन द चैट ये क्या लिखा है। फटाफट से बताओ क्या है ये, क्या लग रहा है आपको, क्या वर्ड है ये, क्या लिखा गया है यहां पर। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही बताते हैं। ओके, कर्ट है, क्यों कैसे पता चला, हाँ कर्ट है ये, यस कर्ट है। और यही कहती है आपकी जेस्टाल्ट थ्योरी की, मैंने तो आपको पार्ट्स प्रेजेंट किए थे, मैंने तो आपको आधी तोड़कर चीज प्रेजेंट करी थी, कैसे आपके माइंड ने उसे कंप्लीटली फुलफिल कर लिया, क्योंकि आपका माइंड भी बिगर पिक्चर पर फोकस करता है, कंप्लीट चीजों पर फोकस करता है रादर देन दी पार्ट्स। अगर हमारा माइंड सिर्फ पार्ट्स पर, स्पेसिफिकेशंस पर ही हमेशा फोकस करता, तो हम बिगर पिक्चर कभी भी नहीं देख पाते। ओके, तो वर्डाइमर ने भी यहाँ पर यही किया, कॉफ्का ने भी यही किया, कॉलर ने भी यही किया कि हम बिगर पिक्चर पर फोकस कर रहे हैं, हम होल पर फोकस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर पर्टिकुलरली वर्डाइमर ने ज़्यादा फोकस किया था और इन्होंने 5 फिनोमिनन दिया। 5 फिनोमिनन में क्या था, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड से होंगे, उन्हें पता होगा कि हमारी आँखों की है ना एक कैपेबिलिटी होती है कि हम जो चीज़ों को, अगर स्टिल पिक्चर्स प्रेजेंट करी जाती हैं, उन्हें जोड़कर कंप्लीट मूविंग पिक्चर देख पाते हैं। जैसे फ्लिप बुक होती है, फ्लिप बुक तारे जमीन पर देखी है ना आप सबने, फ्लिप बुक होती है, आप ऐसे उस बुक को ऐसे फ्लिप करते हो और उसमें पिक्चर्स बनी होती है, स्टिल पिक्चर्स, और आपको ऐसा लगता है कि वो मूव कर रही है, उसमें ऐसे स्टिल पिक्चर थी। बट जब आप उस फ्लिप बुक को फटाफट से फ्लिप करते हो तो वो आपको ऐसे मूव करती हुई दिखती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसे परसिस्टेंस ऑफ विजन बोला जाता है, परसिस्ट का मतलब ठहर जाना, परसिस्टेंस ऑफ विजन, जहां पर आपकी आंखों की ये कैपेबिलिटी कि अगर आप स्टिल पिक्चर्स को, आप रुकी हुई पिक्चर्स को फटाफट से मूव करते हो, तो हमारा माइंड क्या करेगा, हमारी आंखें क्या करेंगी, उन सारी पिक्चर्स को कंबाइन करके मोशन में देखती हैं। और यही यहाँ पर मैक्स वर्डाइमर का फी फिनोमिनन बोलता है कि हमारा जो माइंड है वो स्टिल पिक्चर्स को जोड़कर मूविंग वे में उन्हें देखता है, मोशन में उन्हें देखता है, क्योंकि हम कभी भी तोड़ तोड़ कर चीज़ों को नहीं समझते हैं, हम जोड़कर अल्टीमेटली होल पिक्चर को देखते हैं, फिर आप तोड़ तोड़ कर चीज़ों को समझा सकते हो। अगर आपको किसी को मूव करते हुए दिखाना है तो उसे मोशन में दिखाओ, फिर आप उनकी स्टिल पिक्चर्स उन्हें दिखाओ, जैसे फ्लिप बुक में होता है। तो यही है फी फिनोमिनन, जहां पर हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन वर्क करता है। 1912 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया।
कॉफ्का की जब हम बात करते हैं तो देखो बच्चे, इनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, द ग्रोथ ऑफ द माइंड। प्रिंसिपल्स ऑफ जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी 1935 में आई थी, द ग्रोथ ऑफ द माइंड 1924 में आई थी। एंड यस, ही एक्सटेंडेड जेस्टॉल्ट थ्योरी टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम एजुकेशन में ये सारी थ्योरीज पढ़ रहे हैं तो हम ये किस कंसेप्ट में लेकर जाना चाहते हैं, हम ये डेवलपमेंटल कंसेप्ट में लेकर जाना चाहते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि जैसे अगर आपको क्लास में कोई कंसेप्ट पढ़ाना है तो क्या करो, पहले एक ओवरव्यू दे दो। आज का सेशन शुरू होने से पहले, क्योंकि हम जेस्टॉल्ट पढ़ रहे थे तो तब तो ऐसा करना और ज़्यादा ही ज़रूरी था, मैंने आप लोगों को क्या दिया, एक ओवरव्यू दिया। ओवरव्यू देने के बाद हम पार्ट्स में आए हैं, ओवरव्यू देने के बाद हम स्पेसिफिकेशंस में आए हैं। और यही यहाँ पर कॉफ्का भी बोलता है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जब आप जेस्टॉल्ट थ्योरी को लेकर जाओगे तो जब आपको बच्चों को पढ़ाना है, कुछ समझाना है, तो पहले पूरा होल कंसेप्ट बताओ, पहले उसकी काइंड ऑफ समरी बता दो और फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशंस में आप जाओगे, बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा क्योंकि वो उन पार्ट्स को होल से लिंक कर पाएंगे जो आपने उन्हें स्टार्टिंग में बताए थे। ठीक है, होल टू पार्ट पर इन्होंने फोकस किया। फिर वुल्फ गैंग कोलर की जब हम बात करते हैं तो मेंटालिटी ऑफ एप्स इनकी बुक आई थी 1925 में, फिर जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आई थी 1947 में। मेंटालिटी ऑफ एप्स क्यों पर्टिकुलरली, क्योंकि जब हम जेस्टॉल्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं ना कि कोलर ने उस पर काम किया है, तो ये एप्स को ही उस टाइम पर स्टडी कर रहे थे पर्टिकुलरली, 1910-1915 के अराउंड ये एप्स पर ही स्टडी कर रहे थे और उन्हीं की हेल्प से समझ रहे थे जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को, जहाँ पर फिर इन्होंने इनसाइट लर्निंग का कंसेप्ट निकाला। इनसाइट लर्निंग में क्या हो गया कि ट्रायल और एरर हमेशा काम नहीं करेगा, कि अगर आपको कोई चीज़ देखनी है, बिहेवियर स्टडी करना है, तो ऐसा नहीं है कि बार बार ट्रायल एरर आप करते रहोगे और फिर अल्टीमेटली आपको एक राइट पाथ मिलेगा, जैसे कि मेज एक्सपेरिमेंट में होता है रैट्स के साथ। यहाँ पर इन्होंने बोला कि इमीडिएट और क्लियर लर्निंग या फिर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है बिना ट्रायल और एरर के, किसकी हेल्प से, इनसाइट लर्निंग की हेल्प से, कि जब आप होल पर फोकस करते हो, जब आप पूरी प्रॉब्लम पर फोकस करते हो रादर देन दी पार्ट्स, तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपको सडन सॉल्यूशन मिलता है किसी चीज का। ठीक है, एप्स में बच्चे हमारे पास यहां पर मंकी, चिंपैंजीज, अलग अलग प्रजाति आ जाएगी अनीता। ओके, तो यहां पर इन्होंने इनसाइट लर्निंग पर फोकस किया है। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि इनसाइट लर्निंग पर्टिकुलरली उस पर किसने काम किया था, या फिर इनसाइट लर्निंग पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए किसने बोला था, सो दैट वाज वुल्फगैंग कोलर, और ये उनकी बुक्स हैं। बुक्स बच्चे यहाँ पर मैंने तीनों की आप लोगों को बता दी है, प्रोडक्टिव थिंकिंग वर्थाइमर, कर्ट कोफ्का की प्रिंसिपल्स ऑफ जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ द माइंड, और वुल्फगैंग कोलर की मेंटालिटी ऑफ एप्स एंड जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। ओके बच्चे, साइकोलॉजी चलो वो भी देखते हैं, इतना क्लियर है। यहां पर अब प्रिंसिपल्स आ जाते हैं बच्चे जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के, जेस्टॉल्ट थ्योरी के। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, 6 प्रिंसिपल्स हैं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, प्रेगनेंस, प्रॉक्सिमिटी, कॉन्टिन्यूटी, क्लोजर और कॉमन रीजन। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यानी कि जब आप होल पर फोकस कर रहे हो, ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं ये किस लिए हैं, जब आप होल पर फोकस कर रहे होते हो तो क्या अलग अलग तरीके हैं होल पर फोकस करने के लिए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, ये जो जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स हैं या फिर लॉज हैं ये किस लिए हैं, अलग अलग तरीके से आप कैसे होल पर फोकस करते हो, या तो आप सिमिलर चीजों को एक साथ ग्रुप करोगे, आप कॉन्टिन्यूस फ्लो में चीजों को देखोगे, आप क्लोजर देखोगे कि अल्टीमेटली आपके पास समरी क्लोजर क्या निकल कर आ रहा है, कॉमन रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे अलग अलग चीजों में। जैसे अब मैं आप लोगों को थ्योरीज बताऊं, यहां पर हमने स्टार्टिंग में थ्योरीज देखी थी, है ना, ये क्या हो रहा है बच्चे, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के ही प्रिंसिपल्स यहां पर लगा रहे हैं, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, हम कॉमननेस देख रहे हैं। अब मैंने बोल दिया कि टाइप अप्रोच में एंशिएंट इंडिया, हिप्पोक्रेट्स, क्रैशमर, ये सारे चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ये सारी थ्योरीज आ रही हैं, तो कुछ तो इनमें कॉमन रहा होगा कि मैंने इन्हें टाइप अप्रोच में डाल दिया,
ट्रेट अप्रोच की जब हम बात कर रहे हैं, कुछ तो कॉमन रहा होगा एल्पोट और कैटल में कि हमने उन्हें ट्रेट अप्रोच में डाल दिया। क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, इन सब को एक साथ लाने में भी आप जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी उसी के ही प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हो। ये छह इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इस इमेज की हेल्प से। लॉ ऑफ प्रेगनेंस में क्या होता है कि आप कुछ मीनिंगफुल निकाल रहे हो, जैसे कि गुड फिगर। ये किसका सिंबल है बाय द वे, मेरे को जरा चैट में बताना। ये किसके लिए यूज करते हैं हम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, सिमिलर चीजें आप देखोगे, सिमिलर पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। ये रहा बच्चे एग्जाम्पल सौम्या। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, आसपास चीजें जो लिंक्ड होती जाएंगी, जिनमें कुछ कॉमन आप लोगों को मिलता जाएगा। 7:30 शांतनु, लॉ ऑफ कॉमन रीजन है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट जो दोनों में सेम है। लॉ ऑफ क्लोजर यानी कि समराइज करना। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आपको ऐसे पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं जिससे आप एक प्रोसेस डेवलप करते जा रहे हो, आप लिंक बनाते जा रहे हो। ये सिंबल किसका है, कौन बताएगा, इतना सन्नाटा है चैट में। हाँ ये सिंबल किसका है जरा बताना मेरे को चैट में। ओलंपिक गेम्स, हाँ जी। तो ये होता है लॉ ऑफ प्रेगनेंस, जहां पर आप कुछ गुड फिगर बनाने की कोशिश करते हो, कुछ मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हो फ्रॉम दी थिंग्स यू हैव गॉट। अब आपको मैंने पांच सर्कल्स दे दिए थे, अब इन पांच सर्कल्स से कुछ आपको मीनिंगफुल बनाना था, तो फिर हमारा माइंड क्या करेगा, इन सबको कंबाइन करके कुछ मीनिंगफुल, कुछ गुड फिगर बनाने की कोशिश करेगा। ओके क्लियर है? तो ये हमारे पास लॉज हैं ऑफ जेस्टॉल्ट थ्योरी, और या फिर प्रिंसिपल्स आप इन्हें बोल सकते हो, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, प्रेगनेंस, प्रॉक्सिमिटी, कॉन्टिन्यूटी, क्लोजर एंड कॉमन रीजन। ठीक है, संचिता, सरोज, विनीता, किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, एनीवन? टेल मी इन द चैट। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, आसपास। जब भी आप प्रॉक्सिमल, जैसे हमारे पास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, वाइगोत्स्की ने जो दिया था ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा अगर यहाँ है तो उसकी प्रॉक्सिमिटी क्या है, उसका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, कितने हद तक वो, यानी कि कितने आसपास उसकी डेवलपमेंट हो सकती है उसके प्रेजेंट स्टेटस से। ऐसे ही लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या करता है, आप चीजों को पास में लाकर समझने की कोशिश करते हो, आप उन्हें आसपास लाओगे। जैसे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में यहां पर हमने क्या किया, आपको, आपके पास इतनी सारी डॉट्स थी, आपने दो फ्रेम्स में उन्हें इकट्ठा लाकर रख दिया। क्लियर? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, एनीवन? क्लोजर का मतलब हो गया बच्चे समराइज करना। क्लोजर का मतलब है जैसे आप कोई टॉपिक क्लोज कर रहे हो, जैसे यही वाला टॉपिक है, इसी का ही हम एग्जांपल लेकर चलते हैं मोपिया। तो अब अगर मैं ये टॉपिक क्लोज कर रही हूँ, तो यहाँ पर हमने जो भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, अब आपके माइंड में एक समरी बनेगी कि अच्छा चलो हमने सेशन स्टार्ट किया था किसकी हेल्प से, जो भी हमारे पास अलग अलग थ्योरीज हैं या फिर अलग अलग अप्रोचेस हैं टू पर्सनालिटी, उसकी हेल्प से हमने सेशन को स्टार्ट किया। हमने पर्सनालिटी की डेफिनेशन देखी, हम एल्पोट की तरफ गए, एल्पोट की थी ट्रेट थ्योरी, और फिर उसके बाद हमने जेस्टॉल्ट थ्योरी में वर्दाइमर, कॉफ्का और कोलर के बारे में देखा, उनकी बुक्स देखी, तो इससे और लास्ट में हमें उनके प्रिंसिपल्स पता चले कि जो जेस्टॉल्ट थ्योरी है वो किस पर वर्क करती है। तो ये क्या हो गया आपका क्लोजर, और यही आपका माइंड कर रहा है, समराइज करने की कोशिश कर रहा है। ओके मोपिया, ओके दीप सुधा, रिविजन इज द की विनीता बच्चे, रिविजन।
देखो अभी मैं समझाऊंगी समझ आ जाएगा, बट अगर रिवाइज उसे नहीं करोगे तो फिर ऑफकोर्स हमारी मेमोरी जो है वो क्या करती है, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपने तुरंत पढ़ी है वो गायब होने लगती है। अगर आप फिर से जाकर रिवाइज नहीं करोगे तो ऑफकोर्स एग्जाम में कन्फ्यूजन होगी, आपको लगेगा कि अरे पढ़ा था पर कहाँ पढ़ा था, किससे लिंक था, वो याद नहीं रहेगा। तो रिविजन बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम कंसेप्ट क्लासेस ही कर रहे हैं, तो यस क्लासेस अटेंड करो, सारी कंसेप्चुअल क्लासेस देखो। जो चीज़ें मैं यहाँ पर करवाऊँगी YT पर वो डिटेल में हम अपने बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप में नहीं करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो भी रिमेनिंग थ्योरीज हैं, जो भी रिमेनिंग अप्रोचेज हैं, आज हमने जेस्टॉल्ट और एल्पॉट की थ्योरी डिटेल में देखी है। उसके अलावा जो हमारे पास इतनी सारी थ्योरीज हैं, यहाँ से आप देख सकते हो हमारे पास टाइप कंट्रेट अप्रोच है, टाइप अप्रोच है, उसके अलावा लर्निंग ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिटिकल, ये जो हमारे रिमेनिंग अप्रोचेज हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर। कब होगा डिस्कस ये मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप मेरे को यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना, ठीक है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगी और फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारी क्लासेस होती जाएंगी आपको सारी डिटेल्स मिलती जाएंगी। रिजल्ट कब तक आ जाएगा? देखो बच्चे मोस्ट एक्सपेक्टेड ये मानकर चलो मार्च एंड तक तो आ ही जाना चाहिए, अगर तब भी नहीं आता है तो अप्रैल फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा। ओके चलो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, हांजी चोग शांतनु जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, सेशन को फिर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। काफ़ी डिटेल में हमने जेस्टॉल्ट और एल्पॉट की थ्योरी डिस्कस करी है, फंक्शनल ऑटोनॉमी हमने डिस्कस किया है। सो यस आई वॉन्ट यू ऑल कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अब आप लोगों के जून के अटेम्प्ट से पहले बहुत ज़्यादा ही आप मास्टर कर लो, हर एक कंसेप्ट डिटेल में आप लोगों को पता हो। सो कुछ कंसेप्ट्स यहाँ कवर करते हुए चलेंगे, कुछ कंसेप्ट्स बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर कवर करते हुए चलेंगे। सो इसके लिए आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ताकि सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड येस डू नॉट मिस आउट एनी सेशन, अगर आप उस टाइम पर सेशन नहीं देख पा रहे हो देन प्लीज़ ट्राई टू वॉच दी सेशन जब भी आप लोगों को टाइम मिले। ओके सो येस बच्चे दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी एनीवन? यस अनीता थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड फिगर गुड कंडीशन, हाँ जी कर्ट में मैं बोलूंगी बच्चे कर्ट लुएन के लिए क्या है ना कि उन्होंने बस उस चीज को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड भी नहीं किया, दैट ही एसोसिएटेड हिमसेल्फ टू जेस्टॉल्ट थ्योरी, उन्होंने खुद को एसोसिएट किया जेस्टॉल्ट थ्योरी से, उन्होंने जो भी वर्क थे बाय वर्डाइमर या फिर कॉफका उनके वर्क्स के साथ खुद को एसोसिएट किया और उनकी थ्योरी भी ऐसी ही रही कि हाँ जी जो जब हम पार्ट्स की तरफ देखते हैं तो उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है और ऐसा ही पर्सनालिटी के साथ है, पर्सनालिटी को भी हमें एज अ होल देखना चाहिए। चलो सो हाँ जी एवरीवन दैट वाज ऑल फॉर टुडे, नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, कल भी हमारा सेशन है बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर, ठीक है, सो बी देयर ऑन टाइम, फर्स्ट ऑफ एक बजे हमारा सेशन होगा और कल है 29th of March, तो बी देयर ऑन टाइम, लिंक मैं टेलीग्राम पर आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।